तो मैं हूँ सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वी लॉग। आज हम आपसे आसिफ जरदारी साहब के कुछ वाकयात का जिक्र करना चाहते हैं जो कुछ दोस्तों ने याद दिलाए और उनकी फरमाइश भी है। जब आसिफ जरदारी साहब को जेल में खुदकुशी की इतला दी गई तो वो बड़ा ही एक अजीब सा मंजर हो गया था वहाँ पर और बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी के बारे में तो आप जानते हैं, ज़ाहिर है कि उनका एक अपना अंदाज़ है सियासत का और उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी हैं, तनकीद भी होती है उन पर, और उन पर जो उनके दोस्त हैं, उनके साथी हैं, जो उनके हामी हैं, वो उनका ज़बरदस्त दिफा भी करते हैं और उनके बतौर सदर जो अच्छे इकदाम हैं उनको भी गिनवाते हैं, लेकिन जो उनके मुखालफी हैं वो उन पर बहुत सारी तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ वैसे तो मुझे भी बहुत मुलाकातें करने का मौका मिला और काफ़ी उनसे बातें होती रहीं, क्योंकि जब कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू करते हैं आप तो फिर आपको मुकदमात की समाअत के मौके पर उन तमाम मुलजमान से मिलने का मौका मिलता है जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहे होते हैं। तो आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ उन दिनों मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस और जस्टिस निज़ाम कत्ल केस और स्टील मिल के साबिक चेयरमैन सजाद हुसैन और आलमानी केस वगैरह, इस तरह के बहुत सारे केसेस थे जो चल रहे थे और एकदम में ख़ुदकुशी का केस उनके ऊपर भी चल रहा था, और ये केसेस जो हैं वो बाज़ अदालतों में उन्हें लाया जाता था, फिर बाज़ केसेस की समाअत सेंट्रल जेल के अंदर होती थी जो कमरा अदालत बना होता था, तो वहाँ पर उनसे मुकदमात की समाअत के मौके पर मुलाकात होती थी। मुकदमात भी हम देखते थे कार्रवाई क्या हो रही है, उनका मौक़ब उनके वकला के दलाइल भी सुनते थे, और बाद में फिर जब ब्रेक होती थी तो उसमें और समाअत के बाद भी उनके साथ काफ़ी देर तक बैठने का मौका मिलता और उस जमाने में वो बहुत घंटों तवील बातें किया करते थे। जेल में ज़ाहिर है कि फारिग होते हैं, बहुत सारे बाहर के हालात जानना चाहते हैं, तबसरे करना चाहते हैं, तो वो हर एक से हाल अहवाल करते थे और उनकी आदत भी है सबसे मिलते हैं अच्छी तरह। तो घंटों जो उनसे मुलाकातें होती थी, उस दौरान एक दफ़ा ये हुआ कि वो बैठे हुए थे और मुनव्वर सुहरावर्दी साहब आए और उनके कान में उन्होंने कोई बात बताई तो वो उनका रंग बदल गया, चेहरे का तासुरात ही चेंज हो गए। बाद में पता चला कि उन्हें इतला दी गई कि उनके जो सबसे चहीते भांजे थे फरियाल तालपुर साहब के बेटे, उनकी मौत की खबर उन्हें दी गई, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ये ज़ाहिर है बहुत सदमा था और वो बहुत अटैच भी थे आसिफ अली जरदारी साहब के। आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें कुछ हिदायत दी और इंतज़ार करने लगे कि शायद अब उन्हें पे रोल पर रिहाई मिलेगी और वो जाना चाहते थे वहाँ जनाजे में और तदफीन में। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उन्हें बताया गया कि इनकार हो गया है और पे रोल नहीं दिया जा रहा, जिस पर काफ़ी गुस्से हुए आसिफ जरदारी साहब। उस ज़माने में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी और सिंध में गौस अली शाह साहब वज़ीर आज़म के चीफ एडवाइज़र के तौर पर हुकूमत कर रहे थे, तो हमने देखा बड़ा गुस्सा आया आसिफ जरदारी साहब को गौस अली शाह पर, और उन्होंने वसू वसू करके उनको सिंधी में काफ़ी बुरा भला कहा, और वो अल्फाज तो यहाँ नहीं दोहरा सकते जो उन्होंने कहे थे, लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा कि आसिफ जरदारी ने कितने गुस्से का इजहार किया। बाद में आसिफ जरदारी और जब नवाज शरीफ और गौस अली शाह के खिलाफ तेरह साजिश केस चल रहा था तो उस कराची की जेल में थे गौस अली शाह भी और लांडी जेल में, तो मेरा ख्याल उस दौर में फिर आसिफ अली जरदारी ने गुस्सा थूक दिया और उन्हें सबको ही उन्होंने माफ़ कर दिया था। सैफुररहमान तक को जब माफ़ कर दिया तो बाकी क्या रह गया। तो बताने का मकसद ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उनका गुस्सा भी तेज़ था और वो जब गुस्से में आते थे तो पहली दफ़ा हमने देखा था किस तरह रिएक्ट करते थे। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने और उसके बाद अभी आसिफ जरदारी साहब सदर नहीं बने थे, तो बिलावल हाउस में उन्होंने एक डिनर रखा और पुराने कोर्ट रिपोर्टर्स साथियों को सहाफ़ियों को बुलाया। वहाँ पर उन्होंने पूछा कि भाई मेरी हुकूमत के बारे में क्या, पीपल्स पार्टी के बारे में लोग क्या रहे हैं, तो वहाँ पर सहाफ़ियों ने कहा, मैं भी मौजूद था, बातें हुई, तो वहाँ पर मुजफ्फर टप्पी और फरियाल तालपुर का जिक्र आया और लोगों ने कहा कि बस आप इनको अगर संभाल कर रखें और इनके हवाले से जो खदशात हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे तो सूरत बेहतर हो जाएगी। वहाँ पर भी उन्होंने बुरा मनाया और ऐसा लगा कि उन्होंने मुजफ्फर टप्पी और फरियाल तालपुर के हवाले से जो बातें हो रही हैं वो उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने उन खदशात को नज़रअंदाज कर दिया या उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। बाद में फिर वही हुआ, जब देखते हैं आज तक वही चीज़ें चल रही हैं। वहाँ जो सवालात उठाए गए थे और नाराज़गी का इजहार था वो नाराज़गी वाज़े थी, बाद में फिर कुछ ऐसे एक्शन हुए जिनसे वाज़े हो गया कि सख्त सवालात पूछने वालों को नज़र में रखा जाता है और किस तरह उनको फिर फॉलो किया जाता है या किस तरीके से उनका हिसाब रखा जाता है, तो ये हमने चीज़ें देखी हुई हैं। और वैसे आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बन गए तो उन्होंने अपना जो मोबाइल नंबर था वो ऑन रखा हुआ था, मोबाइल से अपने पुराने साथियों दोस्तों के मैसेज वसूल भी करते थे, जवाब भी देते थे,
और उनसे रابطہ भी रखते थे, तो वो भूलते नहीं हैं लोगों को। जिन्होंने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा हुआ है उनको भी नहीं भूलते, जिन्होंने उनके साथ कुछ ऊंच नीच की हुई है उनको तो वो बिल्कुल भी नहीं भूलते। तो अब उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनके हवाले से वो तो खबरें चल रही हैं, लेकिन उनके करीबी साथियों, दोस्तों और पार्टी के लोगों का कहना है कि ये सारी अफवाहें और वो ठीक हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती अता फरमाए। जाहिर है कि उन्होंने एक अच्छा दौर पाकिस्तान में गुजारा है, उसमें अच्छी यादें भी हैं उनके, कुछ लोगों के साथ उनकी तल्ख यादें भी हैं। तो बहरहाल वो पाकिस्तान के मुंतखब सदर थे और 5 साल पूरे किए और मुश्किल वक्त था उन्होंने गुजारा, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म को और पार्लियामेंट को मजबूत किया, सारे इख्तियारात उनको वापस किए। इस हवाले से वो क्रेडिट लेते हैं और उनका क्रेडिट बनता भी है। उनके दौर में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बुरी चीज़ें लगती हैं, नेगेटिव लगती हैं, वो उनका डिसक्रेडिट भी है, लेकिन वो सिर्फ अकेली पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी की हुकूमत नहीं है, और भी सब हुकूमतों के साथ ये बातें जुड़ी हुई हैं। अच्छे बुरे वाक़ियात सब मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा हैं। आइंदा फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से कुछ और बातें बताएँगे, उनके साथ जो मुलाकातें होती रहीं बहुत सारे, कौन सी किताबें पढ़ते थे, कौन सी शख्सियात को आइडियल करते थे, कौन से मीडिया हाउसेस के बारे में क्या ख्याल रखते थे, बहुत सारी बातें उनसे हुई हुई हैं, वो मेरी याददाश्तों में मौजूद हैं, और थोड़े थोड़े करके वो और आग पलटेंगे इंशाल्लाह और आपको बताते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।